लॉग जी आई अपॉन एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई, ठीक है। अपन एक काम कर लेते हैं, देखो जरा इसको, जी आई ओवर एन आई इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, या एन आई ओवर जी आई इज इक्वल टू, अब उल्टा कर लो इसको, ए की पावर अल्फा प्लस बीटा ए आई, तो एन आई इक्वल टू हो गया जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, और ये होता है मैक्सवेल सांख्यिकी वितरण फलन है। ये तीनों सांख्यिकियों का क्या हो गया, वितरण फलन हो गया, ठीक है। अब अपना काम क्या है, हमारे पास जो तीनों सांख्यिकी हैं, एक मैक्सवेल वोल्टेज मान की सांख्यिकी, एक बोस आइंस्टीन की सांख्यिकी और एक फर्मी डिराक की सांख्यिकी, अपन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, किस किस बेसिस पर और क्या क्या चेंजिंग होता है उन तीनों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जरा देखो आगे, देखो जरा हमारे पास तीनों सांख्यिकी हो गई, हमारे पास तीन ही सांख्यिकी है अपने सिलेबस में, वैसे तो एक न्यूक्लियर स्पिन और होती है लेकिन वो अब की बार के सिलेबस में से डिलीट कर दी है शायद, अगर सिलेबस डिलीट नहीं हुआ तो बाद में करा देंगे उसको, है। हाँ देखो, सबसे पहले तो अपन अंतर का आधार मींस किसके बेसिस पर अंतर करेंगे अपन, एक कॉलम, दूसरा एमबी स्टैटिस्टिक्स, एक होती है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और एक है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलो सबके बारे में एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले अंतर का आधार का मीन्स कला कोष्ठकाओं के न्यूनतम आयतन के बारे में बात करता है, कला कोष्ठकाओं का देखो, इसमें कला कोष्ठका के जो एमबी स्टैटिस्टिक्स होती है, इसमें कला कोष्ठका के न्यूनतम आयतन के बारे में कोई बात नहीं होती, मींस कोई लिमिट नहीं है उसकी, कोई लिमिट नहीं, कला कोष्ठका का न्यूनतम आयतन कितना ही हो सकता है, लेकिन इसमें एच क्यू, ठीक है। चलो दूसरी बात, कला कोष्ठका में कणों की संख्या, ये जो दोनों स्टेटिस्टिक्स हैं, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, इन दोनों में पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता, और अगर अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता तो कला कोष्ठका में कितने ही कण रह सकते हैं, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं, कितने ही कण रह सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ही हो सकते हैं, मींस पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसका पालन दोनों ही कला, दोनों ही ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, एमबी स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन का स्टैटिस्टिक्स,
नहीं करता, ठीक है। इधर भी कोई प्रतिबंध नहीं। और ये कहता है केवल या एक कोष्ठ काम है एक कण, तीसरी स्थिति कणों का व्यवहार। कणों के व्यवहार का मतलब एक तो कण सर्वसम होते हैं तीनों में ही और विभेद्य होते हैं। इसमें सर्वसम तो तीनों में ही होते हैं और कैसे होते हैं, अविभेद्य होते हैं। इसमें भी सर्वसम होते हैं और अविभेद्य होते हैं। एक बात, दो बात, तीन, चौथी बात देखो जरा। तरंग फलन, देखो तरंग फलन क्वांटम का कंसेप्ट है, ठीक है। तरंग फलन कैसा है, क्वांटम का कंसेप्ट है। ये स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल का स्टैटिस्टिक्स होता है, चिरसम्मत सांख्यिकी का। इसका मतलब इसके तरंग फलन के बारे में कोई डिस्कस नहीं। इसमें तरंग फलन कैसा होता है, सममित, ठीक है, और अतिव्यापित भी रहते हैं, मींस ओवरलैप करते हैं। ये हमने बताया अभी था कि इसमें ये जो अविभेद्य होने का मतलब ही ये कि कण आपस में कैसे रहते हैं, अतिव्यापित रहते हैं। तो सममित होता है और ओवरलैप होता है। इसमें प्रतिसममित और अतिव्यापित तो इसमें भी रहता है क्योंकि दोनों ही दोनों क्वांटम है। पांचवी बात, अपने पास इसके वितरण फलन भी हैं, इसका वितरण फलन क्या होता है, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। इसका क्या होता है, जी आई अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस वन, और इसका क्या होता है, जी आई अपॉन प्लस वन, ठीक। अगली बात, कणों का चक्रण। मैक्सवेल वोल्टेजमान जो सांख्यिकी एमवी स्टैटिस्टिक्स है, इसमें तो कणों के चक्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मींस चक्रण तय नहीं होता, कोई चक्रण नहीं पता इसमें। इसमें चक्रण एच क्रॉस का पूर्ण गुणज, इसमें चक्रण एच क्रॉस का विषम अर्धपूर्ण गुणज। ठीक, हाँ, एक लास्ट बात और, जरा अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, ये जो एमबी स्टैटिस्टिक्स है ये गैस के अणुओं में काम करती है। जो मैक्सवेल वोल्टेजमान का सांख्यिकी है वो किस में काम करती है, गैस के। ये जो बोस आइंस्टीन का जो सांख्यिकी है, हाँ, ये बोसोन पार्टिकल के लिए काम करती है, और बोसोन पार्टिकल में आते हैं जैसे फोटोन, फोनोन, अल्फा कण और ग्रेविटॉन। ये जो ग्रेविटॉन पार्टिकल जो होता है
ये गुरुत्वाकर्षण का क्वांटा होता है, इसका चक्रण 2 होता है। ये जो जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो फाइनल ईयर में, वहां काम आता है ये ग्रेविटॉन क्या होता है, एस इक्वल टू 2 इसका स्पिन होता है। ठीक है, चलो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं फर्मियान पार्टिकल और इनको कहते हैं बोसोन पार्टिकल। ठीक है, चलो देखो जरा एक बार की। हाँ हम्म